उदयपुर शहर यानी कि सिटी ऑफ लेक अपने आप में ही बेहद खूबसूरत शहर है और यहाँ के हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट इसमें और चार चांद लगा देते हैं। उदयपुर शहर के बीचों बीच फतेह सागर लेक के पास है एक खूबसूरत गार्डन जिसका नाम है सहेलियों की बाड़ी। ये कोई ऐसा वैसा गार्डन नहीं, बेहद अद्भुत गार्डन है। तो आप भी चलिए हमारे साथ, जरा देखें तो सही यहाँ पर क्या खास है। हेलो गाइस, तो अभी हम आ चुके हैं सहेलियों की बाड़ी में। ये एक गार्डन है जो कि राजा ने रानी के लिए और उनकी सहेलियों के लिए बनवाया था और यह देश के सबसे बड़े और खूबसूरत गार्डनों में से एक है। तो चलिए दोस्तों, हम एक्सप्लोर करते हैं अंदर, ये गार्डन कैसा है और आपको भी घुमाते हैं। और हमें सबसे पहले यहाँ पर लेना होगा टिकट्स, तो टिकट लेने के बाद हम लोग चलते हैं अंदर और आपको भी दिखाते हैं अंदर का व्यू। फ्रेंड्स, सहेलियों की बाड़ी को उदयपुर के महाराणा संग्राम सिंह द्वारा अपनी पत्नी और उनकी 48 सहेलियों के लिए 1710 से 1734 के बीच बनवाया गया था। और खास बात ये है कि महाराणा ने इस गार्डन को खुद डिजाइन किया था और अपनी रानी को गिफ्ट के रूप में दिया था। तो गाइज, अभी हम आ गए हैं सहेलियों की बाड़ी के अंदर। यहाँ पर हमने टिकट चार्ज करा है 20 रुपये पर पर्सन के हिसाब से। तो अभी हम यहाँ, जैसे हम एंट्री लेते हैं तो सबसे पहले तो हमको यहाँ पे ये फाउंटेन देखने को मिलता है। उसके बाद अभी हम यहाँ से अंदर एंट्री लेंगे और उसके बाद देखेंगे अंदर का गार्डन कैसा है। बाहर से तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है यहाँ पे। यहाँ पर कई प्रकार के फ्लावर्स हैं और बहुत सारे फाउंटेन हैं। कुछ हमने ऐसा भी सुना है कि कुछ ऐसे फाउंटेन हैं जिसमें कि ताली बजाने पर वो बंद हो जाते हैं, ताली बजाने पर चालू हो जाते हैं। तो अंदर क्या कुछ है अभी हम चल के देखते हैं। तो गाइज, आप जैसे ही मेन गेट से एंट्री लेंगे तो आपको एक स्क्वायर शेप में पॉइंट दिखेगा जिसमें फाउंटेन्स लगे हुए हैं और इस जगह को कहते हैं बिन बादल बरसात। दोस्तों, पूरे स्क्वायर शेप में जो बना है, यहाँ पे हर तरफ पानी की फवारे लगे हुए हैं और ऐसा फील आता है कि यहाँ पर बारिश हो रही है जैसे, तो शायद इसीलिए इसको बिन बादल बरसात कहा जाता है। अब दोस्तों, सोचने वाली बात ये है कि उस समय में इलेक्ट्रिसिटी तो थी नहीं, तो इतने सारे फाउंटेन कैसे चलते होंगे। तो हम आपको बता दें कि सहेलियों की बाड़ी से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर है फतेह सागर लेक, जो कि इस गार्डन के कंपैरिजन में ऊंचाई पर है। तो फतेह सागर लेक का पानी यहां आता है जिसके लिए कॉपर के पाइपलाइन बिछाए गए हैं। पानी के प्रेशर से ये फाउंटेन हर समय चलते रहते हैं। गाइस, अभी हम आ गए हैं यहाँ पर गार्डन के अंदर और यहाँ पर अभी हैं हम कमल तलाई पर।
एक्चुअली दोस्तों ये एक ताल है जिसके अंदर पूरे कमल के फ्लावर्स लगे हुए हैं, और सबसे अच्छी इसकी खासियत ये है कि ये ताली जैसे ही आप बजाते हो तो इसका फाउंटेन बंद हो जाता है, और जैसे ही आप दोबारा ताली बजाओगे तो फाउंटेन वापस चालू हो जाता है। तो हम आपको दिखाते हैं कैसे होता है। सो गाइस, अभी हमने घूमा सहेलियों की बाड़ी, जो कि बहुत ही सुंदर गार्डन है। यहाँ पर काफ़ी सारे फाउंटेन हैं, और सबसे मज़ेदार तो वो लास्ट वाला था जो कि ताली बजाने पर बंद होता था और ताली बजाने पर चालू होता था। तो बस अब हम लोग यहाँ से बाहर निकल रहे हैं और चलेंगे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर, और फिर शेयर करेंगे हमारी नेक्स्ट स्टोरी, यानी कि ट्रेवल स्टोरी।